अगली खबर है रांची से, जहां कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में ईडी की रिमांड पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की थी। इस मामले में ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो भी जवाब दिए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब चाहिए, ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। अब ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ईडी बड़गई के लगभग 8.5 एकड़ जमीन घोटाला मामले में सोरेन से पूछताछ कर रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से सीईओ यशोवर्धन उमक, और आइए उनसे जानते हैं और इस बारे में और इस खबर की अधिक जानकारी। जी यशोवर्धन, ये रांची से खबर है कि कोर्ट ने जमीन घोटाले के मामले में जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद रिमांड को लेकर के दिन बढ़ाने को कहा गया है, तो इस पर क्या जानकारी है? प्रीति, ऐसा है कि जो ये आपने सही सुना है कि जो दिन बढ़ाए गए 7 दिन बढ़ाने की अपील की गई है ईडी द्वारा, और इसके लिए जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी संतुष्ट नहीं है उनके जवाबों से। जो सवाल वो पूछ रही है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड के, वो जो जवाब दे रहे इससे वो संतुष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हेमंत सोरेन का पहले से रवैया रहा है, एक तो इतने बार उनके नाम का समन जारी हुआ उन्होंने तब भी कॉपरेट नहीं किया, अब इसके बाद जब वो ईडी ने उनको उनके घर से उठाया, तो मैं उठाना शब्द ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं गए। उनको मतलब इतने बार बोलने के बाद वो मिले, फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद सारी चीजें हुई, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली चीज है कि हिरासत क्यों बढ़ाई गई। अब ईडी ने कोर्ट के सामने हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट का डेटा दिया है, और उसका डेटा जो है इस वजह से जो है डेटा में कुछ ऐसा कोर्ट को लगा होगा जिसके वजह से कोर्ट ने भी ईडी की बात मानते हुए रिमांड की अवधि बढ़ाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन फिर इससे कॉपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे ईडी की कार्रवाई में। अब देखना ही होगा ये कॉपरेट करेंगे कि नहीं। और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, शादी की सालगिरह है, तो उनकी पत्नी ने भी लिखा है कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे पति मेरे साथ नहीं है। तो ये सारी बातें हो रही है और इस ईडी के कार्रवाई के बीच में अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। जी जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और आपसे फिर जुड़ेंगे अगली अपडेट के साथ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।